मुंबई कॉलेजेस में एक वाइब होती है जिसे हम कहते हैं केटी, मतलब फेल होना, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया में इसे बैक कहा जाता है, बैक मिलना। फर्स्ट ईयर में जब मुझे केटी मिली थी, जब मुझे बैक मिला था, आई थॉट कि सच में करियर ख़त्म हो चुका है। पर आज एट एज 28 ये हमारा चौथा ऑफिस है जिसकी ओपनिंग हुई है। अब ये इतने ज़्यादा फैंसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हम क्या कर रहे हैं? हमारा ही ऑफिस है, न्यू ऑफिस ओपनिंग बेबी। वाओ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफिस है। Everybody, opening day, baby! पता है, एटलीस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे मुश्किल समय होता है प्लेसमेंट का सीजन। हर कोई एक दूसरे से ये पूछता है, तेरी प्लेसमेंट कहाँ पे हुई? इट्स वेरी इरिटेटिंग फॉर सम ऑफ द किड्स जिनको कोडिंग जॉब्स नहीं चाहिए, जिनको टेक्निकल जॉब्स नहीं चाहिए। विच इज वाई जब हमने मंकी की शुरुआत की थी विराज के लिए, मेरे लिए एक पर्सनल गोल था यार, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाकर हमें मीडिया जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने। This year, hopefully, we will return to DJ Sanghvi, which is our college, to recruit. हम आए हैं Monk Entertainment की नई बढ़िया सी fancy सी office में। ये बढ़िया सी office, ये हमारा couch जो पिछले office से था, ये तकिये भी हम लेके आए क्योंकि हम cost saving में मानते हैं बहुत ही। यहाँ पे trophies थोड़ी खरीदी हुई जो हम लेके आए थे। और ये कौन सी trophy? ये मेरी trophy wife है। इस डू ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, 2017 में आई थिंक स्टार्ट करी थी मेहनत। आई यूज़ टू कम बैक होम आफ्टर डेट्स, आफ्टर पार्टीइंग इन 2017। और हमारा जो छोटा सा पहला ऑफिस था ना, मेरा गराज, उस गराज के लाइट्स में ऑन देखता था संडे को रात के 11 बजे, 11 PM ऑन अ संडे, ये हासिल करता था। बहुत अंडरस्टेटेड इंसान है। यहाँ पे हमारा कैबिन जो सबसे बेसिक है बनाया बाकी सारे रूम से, क्योंकि यही है मेरी वाइफ, बेसिक है बिच हूँ मैं। लोगों का काम है कहना तुम कुछ भी करो, तुम अगर गेम खेल रहे हो ना तो तुम ओजी हो भाई, तुम शेर हो, तुम जीतो या हारो उससे नहीं फर्क पड़ता है, गेम खेलो। क्योंकि ऑडियंस में सब लोग बैठते हैं और वो लोग 10 चीज़ बोलेंगे कि अरे घर पे बैठ के ऐसे विराट कोहली के बारे में लोग बोलते हैं कि अरे चूत है ये, तो मैं अच्छी बैटिंग कर लूँगा इससे, तो जाना करना भाई तेरे से तो बैट भी नहीं संभाला जा रहा। तो मेन सीन ये था कि यार ये ऑफिस का पर्पस ये है कि हमें एक बड़ा सा स्टूडियो चाहिए था यहाँ पे। अब हम यूट्यूब शूट्स ज़्यादा करेंगे, नई IPs बनाएंगे, नई यूट्यूब चैनल्स खड़े करेंगे, कंटेंट ही कंटेंट होगा। पत्थर भी हम ये प्रभा देवी ऑफिस से ले आए क्योंकि पत्थरों में भी क्यों खर्चा करना भाई। टर्फ, हम इतना फुटबॉल खेलते हैं ज़िंदगी में कि हमने सोचा कि भाई ऑफिस में भी एक टर्फ होना चाहिए। कुछ भी काम कर लो, भोजन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो भोजन की अगर जगह नहीं है ऑफिस में तो ऑफिस नहीं है, क्योंकि गप्पे शप्पे कैंटीन में होते। तो ये है, ये एक्चुअली अकाउंट्स का रूम है जो ट्रेडिशनली सबसे बोरिंग डिपार्टमेंट होता है, बट भाई अकाउंट्स की अलग वैल्यू है तो इसलिए उनको सबसे फैंसी रूम दिया गया है। ये है मेन एरिया, यहाँ पे 35-40 लोग बैठने वाले। इट इज़ द मेन ऑपरेशनल एरिया, द सोशल मीडिया टीम, द बिजनेस टीम इज जस्ट गोइंग टू बी सिटिंग हियर वाइबिंग, मेकिंग डील्स, जस्ट कैजुअली मेकिंग डील्स, वर्किंग विद द बिगेस्ट क्लाइंट्स एंड क्रिएटर्स आउट देयर। ये रूम का सबसे बढ़िया पार्ट है ये म्यूरल। तो हमें बहुत ही बढ़िया सी म्यूरल आर्टिस्ट मिली, ममता जी, ममता सिंह इज हर हैंड, एंड शी डिड दिस इन हाफ अ डे, शी हैंड पेंटेड दिस ऑल। और थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, जैसे मेरे टाइप का एक बंदा है जो डेडलाइंस का पोस्टर पकड़ के खड़ा है। कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह का वर्क कल्चर आप सेट करना चाहते हो, जिस तरह की वाइब आप सेट करना चाहते हो, आपका जो मेन कैप्टन रहता है ना, अगर उस इंसान में वो वाइब नहीं है तो वो वाइब ऑर्गेनाइजेशन में सेट नहीं होगी। विच इज़ वाई वेन आई थिंक ऑफ विराज एज माई कोफाउंडर, आई फील कि ये ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा लकी स्ट्रोक था मेरी लाइफ में। मार्च 2020 ऑनवर्ड्स ऑल द क्लाइंट्स दैट वी हैड shut off their businesses, you know, the first thing that hits any business is the marketing spends, so we were directly hit by that, we almost hit zero revenues for a few months. Thank you so much for that, for seeing through this company through a very very difficult time. So many new faces, I'm meeting so many of you guys for the first time today, and thank God hopefully COVID is past us, we're able to meet like such a beautiful space. We're going to make the most of it because we're all f***ing tired of Zoom calls. Maybe you guys don't understand about just be it entrepreneurship, okay? Or be it higher responsibilities. Everyone wants to grow in their career financially, in terms of position, all that. Every stage is more difficult than the previous stage.
So have a sharp inclination of where you want to take your life over a 5-year time period. विराट शेठ जैसे एक और यंग डायनामिक लीडर है आयुष तिवारी, जिनको हमने हिंदी पॉडकास्ट पर भी लाया है. दीज टू गाइज टुगेदर अभी मंकी को चलाते हैं. देव गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी टू स्टेप आउट ऑफ मंकी एंड क्रिएट फर्दर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट फर्दर सिस्टर कंपनीज. बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन इज नाउ आउट और नंबर टू और नंबर थ्री बैट्समैन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बना रहे हैं. वाह, व्हाट अ मेटाफर. इनका बर्थडे आज, डबल स्पेशल डे है. ये आपके लिए इतनी बड़ी गिफ्ट लेकर आया हूँ. थैंक यू सो मच. यार इन सीरियस चीज़ों के बीचों बीच, इन हसल की बातों के बीचों बीच मज़े करना मत भूलो. मज़े नहीं करोगे ना अपने करियर में, देन इट इज़ नॉट अ फुलफिलिंग करियर. ये हमारे वीडियो के पुराने स्टार आ चुके हैं, नील. कुछ डैंक और इनअप्रोप्रिएट कहो. क्या फील हो रहा है? क्या बड़ो मस्त ऑफिस वॉफिस बन रहे ला अभी. मैं ऑफिस में मजा आ रहा है, एकदम बड़ा स्पेस है. Something just arrived. This is crazy. Intense. Whoa, looks fucking sick. Feeling emotional. I actually don't know what I'm feeling. Like it's all happened too fast. No worry feeling. Yeah. Like I remember even before we even started doing social media, I would stand outside with Viraj and our leadership core, 3-4 people, and tell them social media. I've just started doing your VR. This is all we'll do for brands. And I gave them those ABCs. Now there's a whole room full of like social media people. It says a lot about Ayush and Viraj. Yeah, it says yeah. a lot. Of course, they, of course. It's their mehnat. Just these guys, it's like I've got monsters working with me. That's what I feel. That the way wo Dravid, Sachin, yeah, Manav, yeah, yeah. I'm Legacy. Like the fancy office. The grandest the same. Woo! Thank you for being a part of the video, guys. And thank you for today. Love all of y'all. I'm not supposed to be too lovey-dovey in front of everyone, but y'all can like. और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, लक जैसी चीज़ तो होती नहीं. लक इज़ ऑल मेड अप, लक इज़ नॉट ट्रू. दैट इज़ नॉट ट्रू. लक का फैक्टर होता है, ठीक है. जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका लक बढ़ता है, उतने ज़्यादा आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं. बट ऑल्सो रिमेंबर दिस ट्रूथ, जितना ज़्यादा आप फेथ रखोगे यूनिवर्स में, भगवान में, पॉजिटिविटी में, आप अपने खुद के ब्रेवरी में, अपने खुद के स्किल सेट में, उतना ही ज़्यादा आपका लक बढ़ेगा. जब आप मुश्किल में फंसे होंगे ना, जो बहुत बार हुआ है हमारे साथ, सामने से अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, सामने से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सामने से आपको अपनी फ्यूचर ग्रोथ के पैटर्न्स दिख जाएंगे. मेरी फेवरेट किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. उसमें एक बहुत ही बढ़िया कोट है और वो कोट है ये, इफ़ यू डोंट वेलकम गॉड इन द समर्स ऑफ योर लाइफ, He will not come to visit when you're facing the winters of your life. तो जब चीज़ें अच्छी चल रही है ना आपके करियर में, आपके लाइफ में, पहले gratitude के साथ भगवान को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए. बी अ गुड पर्सन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप इम्प्रूविंग सेल्स, कीप इम्प्रूविंग स्टार्टअप स्किल्स, कीप बींग हैप्पी, कीप बींग करियर मॉन्स्टर्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल जस्ट शो अप एवरी डे. ट्रू ग्रोथ हैपन्स लाइक टेस्ट क्रिकेट, नॉट लाइक T20 क्रिकेट. आपको बस हर बॉल का सामना करना है और यहाँ एक रन, वहाँ एक रन, हर बॉल में सिक्स नहीं मारना है, बट एक रन बनते बनते ना आपकी ट्रिपल सेंचुरी, 400 रन्स, 500 रन्स भी बन सकते हैं. अभी हमारे 400 रन्स बन चुके हैं, हमें तो 1000 रन्स बनाने हैं.